अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मिक्स सब्ज़ी। मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए हमें आलू चाहिए और सोया जो कि काट के मैंने पानी में डाल दिया है। इसके अलावा कैप्सिकम है 3 कलर की, इसकी क्यूब्स कटिंग हुई हुई है, आलू की भी क्यूब्स कटिंग हुई हुई है। चॉप गार्लिक है, हरी प्याज है और गाजर है, टमाटर है, भिंडी है और गोश्त को बॉईल करके इसको इसका पानी खुश कर लिया था। अदरक लहसुन और नमक और काली मिर्च में इसको पका लिया था, ठीक है, और इसको ऐसे रेशा कर लिया है, ठीक है। अब हम बनाएंगे सब्ज़ी। पैन में हम ऑयल लेंगे, इसको गरम कर लेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा, ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें गार्लिक डालेंगे, इसको गोल्डन कर लेंगे। इसके अलावा मसालों में हम हल्दी यूज करेंगे और कुटी हुई मिर्चें और नमक। देखने से गोल्डन हो जाने तक पकाएंगे। लेकिन गोल्डन हो चुका है गार्लिक। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, लेकिन टमाटर को थोड़ा सा चला के थोड़ी देर पका लेंगे, 2 से 3 मिनट। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जब ये लगे कि आपको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो फिर आप इसमें आलू डालिएगा। आलू डाल देंगे और आलू को भी ऐसे चला लेंगे। अब ये टमाटर आलू के साथ ही गल जाएंगे, ठीक है। बाकी सारी सब्जियां जल्दी गल जाएंगी, भिंडी भी और गोश्त भी गला हुआ है। इसके अलावा जो सब्जियां हैं वो भी जल्दी हो जाएंगी। इसमें हम गाजर भी डाल देते हैं क्योंकि गाजर भी थोड़ा सा टाइम लेगी, तो गाजर भी डाल देते हैं। देखें, मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और कुटी हुई मिर्च डाली है। कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी डाली है मैंने क्योंकि हरी मिर्च एंड में यूज़ करेंगे। इसके अलावा नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है। तो देखें, मैंने गाजर भी इसमें डाल दिए क्योंकि गाजर भी गलने में थोड़ा सा टाइम लेगी, इसलिए गाजर भी डाल दिए। बाकी सब्जियाँ सब बहुत जल्दी गल जाएंगी। और ये हम मिक्स सब्ज़ी तैयार कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने दूसरी तरीके से बनाई थी, चिकन में बनाई थी। आप लोगों को अगर चिकन ही अच्छी लगती है तो दोबारा भी चिकन यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस दफ़ा बीफ को कर लिया था ताकि टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाए। और हम इसको ऐसे चलाएँगे और थोड़ी सी देर ढक कर पकने देंगे, तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट में दोनों चीज़ें गल जाएंगी, ठीक है। फिर हम सारी सब्जियां डाल देंगे। अच्छा, ये देखें, चूल्हे की आंच मैंने बहुत हल्की कर दी है, पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। ये अपने ही पानी में सब्ज़ी तैयार होगी और इसको मैं थोड़ी देर के पकने दूँगी, ठीक है। 10 मिनट हो गए हैं और हमें चेक करना है अब सब्ज़ी की क्या पोजीशन है। अगर तो ये गल गई है तो हम और सब्जियाँ डाल देंगे, वरना से थोड़ी देर और गल जाएंगे, ठीक है। गाजर थोड़ी सी जल गई है, आलू भी जल गया है, थोड़ी कसर है आलू में, तो वो सब सब्जियों के साथ जो पकने वाला टाइम होगा उसमें वो ठीक हो जाएगी। तो हम सारी सब्जियाँ वन बाय वन डालते हैं। अब मैं भिंडी और गोश्त को जो रेशा किया हुआ है उसको डाल दूँ, इसको मिक्स कर लेंगे। और अब ये वाली में सारी सब्जियां डाल रही हूँ, कैप्सिकम और हरी प्याज। इसको थोड़ा सा पकाएंगे, मतलब ये सब्जियां बहुत जल्दी पक जाती हैं और आलू और गाजर आधे गल चुके हैं, थोड़ा सा और गलेंगे, ठीक है। तो बस हम इसको चलाएंगे, पकाएंगे, थोड़ी देर ढक के रखेंगे। तो ये सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। तो हम इसमें सोया डाल देंगे,
और नमक फाइनल हम चेक कर लेंगे इसका, फिर हम इसको सर्व करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब्जियाँ हमारी गल चुकी हैं और अब मैं इसमें खीरा डालूँगी, सोया मैंने जो एक बंच होता है उसका आधा हिस्सा लिया है वो मैं इसमें डाल के इसको भी पकने दूंगी थोड़ी देर और फिर हम सर्व करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये रेसिपी तैयार हुई। आज ये सुबह नाश्ते के लिए मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी और आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने शो किया है जितनी सब्ज़ियाँ डाली हैं, कोशिश की है कि मैंने प्लेट में उतनी ही निकाली हैं और इसको बटर के साथ, ग्रीन चिली के साथ और पराठों के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।